हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं कि सब मजे में ही होंगे। तो दोस्तों, आज आपसे यूरोप के उस देश की बात करेंगे जिसका भूगोल कुछ कुछ हमारे भारत देश की तरह है। इसके अलावा यह देश दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। यहाँ पर एक ऐसा खूबसूरत शहर बसा हुआ है जहाँ घर तो है लेकिन सड़कें नहीं है। और यहाँ की सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिसे सुनने के बाद आपकी हंसी निकल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित इटली की। दोस्तों, इस देश को आधिकारिक तौर पर इटालियन रिपब्लिक कहा जाता है, जिसकी मुख्य भूमि भारत की तरह ही एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उस विशाल क्षेत्र को कहा जाता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। जिस तरह भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी तरह इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत की श्रृंखला है। यह श्रृंखला इटली को अन्य यूरोपियन देशों जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से अलग करती है। इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्र है। आधुनिक इटली 1861 में ही एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद 10 जून 1946 को ही यह एक लोकतांत्रिक देश बना। क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश 3,13,38 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यह महाराष्ट्र राज्य से भी छोटा है। इसके अलावा इटली 19 क्षेत्रों तथा 92 प्रांतों में बंटा हुआ है। यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 6 करोड़ के आसपास है। इटली की राजधानी रोम की स्थापना आज से कई सौ साल पहले 21 अप्रैल 753 ईसा पूर्व को हुई थी। रोम प्राचीन काल से ही एक शक्तिशाली और प्रभावी रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा यूरो है और एक यूरो की कीमत भारतीय मुद्रा के हिसाब से 87 रुपये के आसपास है। दोस्तों, जितनी इस देश की आबादी है उससे कहीं ज़्यादा तो यहाँ सैलानी हर साल घूमने के लिए आते हैं। इसलिए तो यहाँ की जीडीपी का 13% हिस्सा केवल टूरिज्म से ही आता है। इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी काफ़ी बढ़िया है। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही इटली से 2 कदम आगे हो, परंतु ज़्यादा आबादी के पास कम संसाधनों की वजह से ज़्यादातर लोगों का जीवन स्तर कुछ खास नहीं है। दोस्तों, इटली को फैशन का कैपिटल भी कहा जाता है। गुची, अरमानी, डीजल, पराडा ये सब ब्रांड्स इटली के ही हैं। इसके अलावा फरारी, लेम्बोर्गिनी, फिएट, मेजराटी जैसे सुपरकार्स भी मेड इन इटली ही हैं। दोस्तों, इटली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 55 ऐसे ऐतिहासिक निर्माण हैं जिन्हें यूनेस्को ने यह दर्जा दिया है। इटली का यह प्रसिद्ध टावर पीसा के अद्भुत तथा आश्चर्यजनक अजूबों में से एक है। 1399 में तैयार की गई 8 मंजिलों वाली पीसा की झुकी हुई मीनार देखने के लिए पर्यटकों को टिकट लेने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, खोजकर्ताओं द्वारा पता चला है कि इस टावर के झुकाव की वजह जमीन का एक तरफ नरम होना है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अल्कोहल का उत्पादन इटली में ही तो होता है दोस्तों, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा शराब अमेरिका में पी जाती है। यहाँ पर बनी हुई शराब कई दूसरे देशों में भेजी भी जाती है। दोस्तों, इटली इकलौता ऐसा देश है जो 2 देशों को चारों तरफ से घेरा हुआ है, एक तो वेटिकन सिटी और दूसरा सैन मेरिनो। दोस्तों, क्या आपको जानकारी है कि पहले विश्व युद्ध में इटली के 6 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। दोस्तों, इटली में बसा खूबसूरत शहर वेनिस पानी के ऊपर बना हुआ है, जिसे इटली का तैरता हुआ शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों की भूमिका में नहरें हैं जिनमें नाव चलती है और इन नावों को गोंडोला कहा जाता है। और दोस्तों, वेनिस में यह कानून है कि वहाँ की हर गोंडोला नाव का रंग काला ही होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, इटली की सरकार ने वहाँ की ट्रैफिक पुलिस को 2-2 लेम्बोर्गिनी जैसे सुपर फास्ट कार केवल हाईवे पर गश्त लगाने के लिए दिए हैं। इटली के मिलान शहर में यह कानून है कि वहाँ के हर जरूरी मौके पर चेहरे पर स्माइल रखना जरूरी है, भले ही उस समय आप काम कर रहे हों या खाना खा रहे हों। लेकिन शुक्र है कि यह नियम मृत्यु के समय या अस्पतालों में लागू नहीं होता है। दोस्तों, इटली का सबसे लोकप्रिय खेल सॉकर है और इस खेल में इटली 4 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। इटली के शहर फल्सियानो डेल मसिको में मरना गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ के सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जो व्यक्ति मर ही चुका है अब उसे कौन सा सजा देंगे।
दोस्तों इस देश में एक आदमी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस में स्कर्ट पहन रखी थी। इसी के साथ ये बात सुनकर आपकी शायद हंसी निकल जाए क्योंकि इटली के आधे तलाक के मामलों में व्हाट्सएप को गवाह बनाया जाता है उनके चैट्स और मैसेजेस दिखा के। दोस्तों साउथ इटली में एक रेस्टोरेंट है जिसे गुफा के अंदर बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट का नाम क्रोटा प्लेजिस है। इस रेस्टोरेंट के पास ही समुद्र है और यहाँ से आप चट्टानों का खूबसूरत नज़ारा भी ले सकते हैं। अपनी इसी खासियत के कारण यह पर्यटकों को काफ़ी पसंद आया है। इस रेस्टोरेंट को देखने और यहाँ ठहरने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग इटली से होकर स्विट्जरलैंड तक जाती है। यह 57 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो आल्प्स पर्वत के नीचे से होकर जाता है। इसे बनाने में 17 साल से ज़्यादा का समय लगा था। यूरोप में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इटली में होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा भूकंप भी इटली में ही आते हैं दोस्तों। दोस्तों साल 2012 में इटली की एक अदालत ने यह कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नो बॉल्स कहता है तो उसे सजा के तौर पर जुर्माना देना पड़ेगा। क्रिकेट में नो बॉल्स का मतलब क्या होता है यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में नो बॉल्स का मतलब यह भी होता है कि तुम बहादुर नहीं हो या तुम साहसी नहीं हो। दोस्तों साल 1968 की बात है जब इटली के पास सागर में एक व्यक्ति ने छोटा सा घर बनवा दिया था और उस घर को एक छोटा सा देश घोषित करके उसका राष्ट्रपति भी बन बैठा और उसने अपने देश का नाम द रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड रखा था। फिर क्या होना था दोस्तों, इटली की सेना ने उस घर को अपने नियंत्रण में लेकर नष्ट कर दिया। लेकिन इस घटना से पता चलता है कि दुनिया में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने अर्जेंटीना देश के बारे में तो सुना ही होगा जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बसा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के 37% आबादी के पूर्वज इटालियंस थे। इटली की राजधानी रोम में एक बेहद ही शानदार ट्रेवी फाउंटेन है जिसमें प्राचीन काल के लोग जल देवता को खुश करने के लिए पानी के अंदर कॉइन फेंका करते थे और यह परंपरा आज भी चली आ रही है। लगभग हर रोज हजारों इटालियन लोग करीब 3,000 यूरो इस ट्रेवी फाउंटेन में फेंक देते हैं। दोस्तों इटली में बनी बोलोना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना सन 1080 ईस्वी में हुई थी। हालांकि इटली एक विकसित देश है लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के 1/3 आबादी ने कभी इंटरनेट का उपयोग नहीं किया है ना अजीब बात। दोस्तों CMC यानी कि इटालियन सोसाइटी ऑफ एंड्रोलॉजी एंड सेक्सुअल मेडिसिन की सर्वे में यह पता चला है कि इटली के हर 10 में से 3 औरतें अपनी सेक्स लाइफ में पुरुषों के मुकाबले असंतुष्ट रहती हैं। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ के पुरुषों में सब्र की कमी है जिसके कारण वह खुद जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और उल्टा अपने पार्टनर को ही दोष देते हैं। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कांटे वाले चम्मच जिसे हम फोर्क कहते हैं सबसे पहले इटली में पास्ता खाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और सबसे मजे की बात तो यह है कि पास्ता का आविष्कार भी इटली में ही हुआ था। दोस्तों इटली वाकई में बेहद खूबसूरत और एक कमाल का देश है जहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ बहुत से घूमने लायक शहर और जगहें हैं जैसे कि कोलोजियम, रोम शहर, द ग्रैंड कैनल ऑफ वेनिस, लीनिंग टावर ऑफ पीसा और ट्रेवी फाउंटेन जैसे और भी कई शानदार और ऐतिहासिक जगहें हैं। वैसे तो दोस्तों विदेश घूमने की ख्वाहिश हर व्यक्ति के दिल में होती है। आप किस देश में घूमना चाहते हैं अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।